बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने परेड की सलामी ली और झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि जमशेदपुर की विधि व्यवस्था ऐसी हो जिसमें रात के 12 बजे भी माँ बहनें हार पहनकर और मोबाइल हाथ में लेकर सड़क पर निकलें तो किसी अपराधी की मजाल ना हो कि वो उन्हें छू भी सके। कुछ समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से हमारी पुलिस इस कार्य में सफल होगी। उन्होंने कहा कि वे पुलिस की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि उन्हें नेता बनाने में पुलिस की बड़ी भूमिका रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिस तरह से सभी ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया उसी तरह से मिलकर कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को भी भगाना है। इससे डरना नहीं है बल्कि इससे एहतियात बरतने की जरूरत है। इस अवसर पर उपायुक्त सूरज कुमार, SSP डॉक्टर एम तमिलवानन सहित अन्य लोग मौजूद थे। सूफियों का झारखंड है, संतों का झारखंड है, क्रांतिकारियों का झारखंड है और जब झारखंड की बात होती है तो फिर हम बाबा तिलका मांझी को इस आजादी का प्रणेता के रूप में पूजते हैं, जानते हैं। बाबा तिलका मांझी, आप जानते हैं कि बाबा तिलका मांझी ने 1767 में ही अंग्रेजों के विरुद्ध में उलगुलान कर दिया था और 1770 से लेकर जब भुखमरी और भीषण अकाल पड़ा तो बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खजानों को लूटकर गरीबों में बांटने का काम किया और 1771 से लेकर 1784 तक ये लड़ाई निरंतर जारी रही और उसके बाद फिर बुद्ध भगत का जन्म हुआ। आप जानते हैं कि कोल विद्रोह के रूप में हम 1831 और 32 के उस लड़ाई को नहीं भूल सकते हैं और आपको यह भी जानना होगा कि उस समय अंग्रेजों ने किस तरीके की यातना देने का काम किया। एक तरफ बाबा तिलका मांझी को फांसी के फंदे पर लटका दिया, दूसरी तरफ बुद्ध भगत पर 1000 रुपए, उस समय के 1000 रुपए की जो है राशि तय कर दी गई। बुद्ध भगत से लेकर बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, राम जयपाल सिंह मुंडा और ये लड़ाई निरंतर अबाध गति से आज भी चल रही है और आज भी हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में इस देश ने 7 ऐसे बड़े आंदोलनों को देखा जिन आंदोलनों ने अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेज के सूरज कभी अस्त नहीं होते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सूरज को भी अस्त करके इस देश को स्वतंत्र स्वाधीनता दिलाने का काम किया था। जब अंग्रेजों ने रॉयल एक्ट जैसे कानून को लाने का काम किया, उस कानून के विरोध में सैफुद्दीन किलचू मौजूद हैं इस खुली जलसे में। क्षण भरे वातावरण में जोश और उत्साह की गर्मी, गणतंत्र दिवस के उत्साह और उमंग की गर्मी हमारे दिलों में विराजमान है। सब हर्ष अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे गण मंगल दायक जय।